कैसे हैं? ओके, कुछ लोगों के क्वेश्चन जो थे ये थे कि सर, अगर बच्चों को जो हम स्टार्ट कराएंगे, छोटे बच्चों के, स्मॉल बच्चों को स्टार्ट कराते हैं, तो उसको कहाँ से स्टार्ट कराया जाए? या अगर आपने सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है और बुक्स आपने डिमांड किया है, तो उसके जो फर्स्ट लेवल का, जो फर्स्ट क्लासेस की बात होती है ना, फर्स्ट वीक की बात होती है, वीकेंड क्लास में जो फर्स्ट वीक की बात होती है, वो जो वीकेंड क्लास है उसके लिए बात किया जाता है कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या मतलब हम लोग देते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो करते हैं, आपको अच्छी तरह पता होगा कि आपका अबेकस किस टाइप का दिखता है, तो मैं आपको एक बार ऑलरेडी शो कर दूं फिर से कि ये हमारा अबेकस है, ये हमारा मास्टर अबेकस है, और आपके लिए जो स्टूडेंट अबेकस होते हैं ना छोटा सा, वो दिया जाएगा। आपको ये पता है कि ये जो अबेकस है, अगर आपको ये पता है कि ये अबेकस जो है हम बच्चों को जो देंगे उसमें इस टाइप से डायग्राम बनाया जाता है, ठीक है? ये जो देंगे 1 से लेके या जो भी नंबर्स हैं, उस नंबर्स को कैसे हमें दिखाने हैं, तो इनके लिए हमारे पास क्या होता है कि ये आपका देखिए एबेकस में ये सारे बिट्स हैं, और हर एक रोड के अंदर 5 बिट्स होते हैं। नीचे वाला जो 1 को रिप्रेजेंट करता है, 1, 2, 3, 4, बट कब, जब ये आंसर बार में अटैच होता है तब। कुछ लोग जो है ना, इसको अगर मैं यहाँ इसको पुट कर दूँ थोड़ी देर के लिए, कुछ लोग जो हैं इनको क्या करते हैं कि इसके जी स्टार्टिंग जो है मिड पॉइंट से करते हैं, ये 1, 10, 100, 1000, 10000, फिर इस तरह से लैक्स, 10 लैक्स, ऐसे बढ़ता जाता है, क्लियर है? लेकिन जो कुछ लोग हैं वो वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज जब डेसिमल नहीं दिया गया होता है तब। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है, आपको सिर्फ याद होना चाहिए कि आपने स्टार्ट किस पॉइंट से किया है। अगर ये 1, 10, 100, 1000, 10000, 10 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ ऐसे करके चलता जाता है तो भी आप कर सकते हैं, राइट? तो अगर हमें मान लो 1 लिखना है, तो दिस इज 1, 2 के ये आंसर बार में 1, दिस इज 2, 3, 4, बट अगर आपको 5 लिखना होगा तो दिस वन 5, ये हमारे पास 5 है, देखो ये रॉड के अंदर 5, पहला डिजिट का ये 5 है, ये सेकेंड डिजिट का 50 है ना? तो इस तरह से आप क्या करते हो कि इसको आप इस रॉड में चिपका देते हो, ठीक है ना? अगर हमें 6 चाहिए तो दिस इज 6, 7, 8, 9, क्लियर है? तो इसी टाइप से आप 1 से लेके 10 तक, पहले डिजिट में हम सीखेंगे 1 से 10 तक। आपको अगर हमने बोलना है कि 1 लिखिए, तो देखो जरा सर, 1 आप लिखने के लिए इस जगह पे आओ। हमने एक आंसर बार बनाया है, और इस आंसर बार के अंदर जैसे हमने 1 लिखना है, तो एक बीट से यहाँ से आंसर बार में आपको टच करके इसको ब्लैक कर देना है, कलरफुल कर देना है, दिस इज 1। अगर आप इस पे दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे आके ये दिस इज 1, ठीक है ना? ऐसे हम कर देंगे, ये चीज़ ऊपर आएगा उस समय, क्लियर है ना? तो जब आपके पास अबेकस होगा तो उस पर तो आप ट्राई करेंगे, लेकिन अभी चूंकि हमारे पास कॉपी है तो हम कॉपी के ऊपर ट्राई करते हैं इसको, कि कैसे हम लिखते हैं। हमें 1 से लेकर 9 तक के नंबर को रिप्रेजेंट करना है अबेकस पे, राइट? आज हम यही सीखेंगे इसके अंदर। तो अब हम देखते हैं इसके अबेकस में, ठीक है ना? तो आइए अबेकस के ऊपर देखिए, हमने आपको दिया 1 से 9 तक कैसे लिखते हैं। दिस इज 1, 1 लिखने के लिए क्या करना है, सिर्फ अबेकस बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, ऐसा बॉक्स बनाइए। और अगर वंस प्लेस की बात होती है तो 1 बार मतलब 1 ये रॉड बना के और एक आंसर बार बनाइए, इसमें दिस इज 1, 2, 3, 4, बट ये सब इस लाइन से टच होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। जो भी आंसर लाइन से टच होगा उसका आंसर आपका 1 होगा, क्लियर है? तो इसका मतलब है कि 1 लिखने के लिए इस आंसर बार से 1 हमने करके और कलरफुल कर दिया इसके अंदर। हमारे को 2 लिखना है तो इस आंसर बार से देखो 2 बिट्स जो है हमारे पास है उसको हम कलरफुल कर दिया। फिर 3 लिखने के लिए हमने 3 बिट्स को कलर कर लिया। 4 लिखने के लिए 4 बिट्स। 5 लिखने के लिए देखो ऊपर वाला बिट्स जो है वो कलरफुल होगा, इसके साथ नीचे चिपक जाएगा आंसर बार में, दिस इज 5।
दिस इज फाइव, सिक्स के लिए देखो फाइव एंड वन, ये हमारा सिक्स हो जाता है, और हमारे पास सेवन के लिए फाइव और ये टू, सेवन आ गया, समझ गया बात को। हमारे पास यहाँ पे एट के लिए फाइव और नीचे से तीन बिट्स आंसर बार में चिपका हुआ है, देखो फोर्थ भी है लेकिन ये कलरफुल नहीं है और नीचे है, तो ये हमारे पास हो गया एट। अगर हम नाइन की बात करते हैं तो फाइव और नीचे का फोर बिट्स, हमारा नाइन आंसर आ जाता है। अगर हम टेन की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे टू डिजिट बिट्स आ गया, मतलब टू रॉड्स आएंगे और इसके अंदर हम ये कलरफुल एक को करके और बाकी इधर कोई भी कलरफुल नहीं है और ना ही आंसर बार से कनेक्ट है। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि हमें क्या करना है, वन से टेन तक लिखना है। तो पहले तो ये लिखा हुआ है, और आपको मैं एक चीज़ बता दें कि अगर आपके पास ये बुक है या असाइनमेंट अगर आपको है, अगर आपने परचेजिंग किया है इसके अंदर, तो ये असाइनमेंट है आपके पास, इस टाइप का असाइनमेंट होगा। इसके अंदर देख लीजिए आपके पास ये वन है, इस साइड में ये वन है देखो, और वन का फिर हम आंसर बार पे यहाँ पे दिखाया गया वन बिट्स ब्लैक कलर के। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे टू है, तो टू के लिए टू बिट्स आपको दिखाया गया है, क्लियर है। इसके बाद हमारे पास थ्री है, देखिए यहाँ पे थ्री, फिर थ्री के लिए हमने बॉक्स दिखा दिया। अच्छा, बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए अगर आप पढ़ाते हैं छोटे बच्चों को, या अगर बच्चे अगर इसको देख रहे हैं तो उसको पता है वन टू थ्री, मतलब थ्री कोई भी थिंग्स हो सकता है, थ्री हैंड्स है यहाँ पे, तो थ्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे थ्री बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे पास फोर है, तो फोर को फोर बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये बुक्स को फिल करने में कोई भी मतलब मुश्किल नहीं है। अगर हम इसको देखते हैं कि हमारे पास फाइव है, तो देखो फाइव चीज़ पहले उसको काउंट कराइए, काउंट कराने के बाद जब काउंट कर ले तो पूछे कितना है ये, तो दिस इज फाइव। फाइव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये, इससे हम कॉपी पे पहले प्रैक्टिस करवा लेंगे, जैसे मैंने बोर्ड पे प्रैक्टिस कराया है ऐसे आपको कॉपी पे प्रैक्टिस करा लेने हैं, और कराने के बाद इसको वन बाय वन, जैसे सिक्स है तो सिक्स को कैसे लिखा हुआ है ये लिख कर दिखाया है, फिर सेवन ये काउंट कराने हैं, फिर सेवन कैसा है, फिर एट कैसे हैं, ये चीज़ हमें बताने हैं। इसके बाद हमारे पास ऐसे नाइन है, तो नाइन को कैसे रिप्रेजेंट किया गया, इसको काउंट कराना है बच्चों के लिए सिर्फ, क्योंकि स्टार्टिंग तो सबको इसी से करना है, बट कुछ पेज में जो इंट्रोडक्शन है वो इस टाइप से होगा। तो नाइन के लिए आप देख लीजिए नाइन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फाइव और नीचे फोर, ओके। हमारे पास टेन है, तो टू बिट्स आ गया, बिट्स बना के वन को कलरफुल कर दिया। टेन डायग्राम है, बच्चे इसको देख के काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो गया कि इसको करने के लिए, काउंट भी करेंगे। अब आता है उसका जो वर्क दिया जाएगा, वो होमवर्क कैसे दिया जाएगा। पहला दिन आपको ये काम करवा दिया, अब ये होमवर्क है, जैसे मैंने लिख के दिखाया ये गिवन है, इसके ऊपर बच्चों को स्टार्टिंग करना है यहाँ से वन लिख के, वन टू फिर थ्री फोर ऐसे करके टेन तक लिखने हैं, फिर इसके बिट्स बनाने हैं। ये काम इसको बुक्स में तो देंगे ही देंगे, और आप अगर टीचर हैं तो इसको बच्चे की कॉपी पे, जो रफ कॉपी आपने लिया है उस रफ कॉपी के ऊपर आप बच्चों को देंगे काम करने के लिए। अगर वो बच्चों को देंगे काम करेंगे तो बच्चे करेंगे, फिर उसको मिक्स देंगे, कभी वन सेवन एट नाइन सिक्स फाइव फोर थ्री ऐसे करके लिखेंगे, ऐसे लिखने के बाद वो बच्चे फिर उसको करेंगे, समझ गया बात को। इसको करना कैसे है, तो जैसे किया गया है, राइट, क्लियर है ना। मतलब अगर हमें बॉक्स में वन से टेन लिखना है, मानकर चलिए कि हमारे पास अगर ये बॉक्स है और यहाँ पे लिखा हुआ है, अब यहाँ पे नाइन दे दिया कि नाइन आ गया, नाइन कैसे करेंगे, तो जैसे फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, आंसर को कलरफुल कर दो, कितना इजी है बताओ, है नहीं है ना, नाइन आ गया। ये हमारा फर्स्ट वीक का काम है। अब आता है, ये तो बुक का काम हो गया, फर्स्ट क्लास में क्या इतने ही कराएंगे बच्चे को, नहीं, इसको इतने कराने से बच्चे का टाइम तुरंत पास नहीं होगा। सेकेंड क्लास में अलग एक्टिविटी दिए गए हैं जो करने हैं, हमें बच्चों को कैसे कराने हैं, हमें आप बताने हैं इसी चीज़ को जो अबैकस पे बताया गया है, फिंगर पे कैसे करते हैं। तो फिंगर हमारे पास जो है राइट हैंड फिंगर जो होता है, राइट हैंड में जो भी फिंगर है वो वंस प्लेसेज होता है, मतलब जैसे कि चार बीट्स हमारे पास नीचे है वो वन टू थ्री फोर फोर एंड दिस इज फाइव, जो अपर बीट्स है दिस इज फाइव, राइट। तो अगर हम कहते हैं कि हमने काउंट करना है तो हम करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव, दिस इज फाइव, अगर ये अप है तो फाइव है, फिर सिक्स सेवन एट नाइन, क्लियर है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अब जैसे ही हम टेन पे आते हैं तो हमारा ये लेफ्ट हैंड फिंगर भी
एक्टिवेट हो जाता है, और लेफ्ट हैंड फिंगर में ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 के बाद आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कैसे होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद ये 10, 20, 30, 40, 40 के बाद 50, 60, 70, 80, 90। क्लियर है? हमें 10 चाहिए तो 1, 0, 10, 1, 0, 10। क्लियर है? 1, 0, 10। अब यही चीज प्रैक्टिस कराने हैं। पहला दिन ये 9 का तक, 1 से लेकर 9 तक कितने टाइम्स, कम से कम 50 बार छोटे बच्चे को। 50 टाइम्स करने से फ़ायदा क्या होता है कि बच्चे का जो फिंगर फर्स्ट टाइम, अगर आप उसको बोलोगे कि 6 निकालो तो 5 तो करेगा और 6 ऐसे 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 करेगा, मतलब हाथ उसका उंगली जो है ना पूरा ऐसे नहीं होता है। उसको बोलोगे 9 निकालने के लिए 9 पूरा कर देगा, लेकिन कहोगे 8 निकालने के लिए तो कभी इधर से यूं करेगा, कभी हाफ करेगा, कभी ऐसे। तो इससे क्या होगा, उसका एक्सरसाइज हो जाता है, और ये एक्सरसाइज होने से क्या होगा कि उस बच्चे का प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगा। तुरंत आप कहोगे 2, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 3, 2, 1, 6, 7, 8, 9, और तब आपको इसका ओरल टेस्ट लेना है। क्लियर है? ओरल टेस्ट लेने के बाद बच्चों को सीधा बोलना है 7, तो तुरंत 7 फिंगर निकालेंगे। बोलेंगे 8 तो फिर वो 8 फिंगर निकालेंगे। बोलेंगे 5 तो 5 निकालेंगे। क्लियर है? ये काम बच्चों से कम से कम 10 से 15 दो घंटे में आप उसके साथ क्या करोगे, बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रैक्टिस कराने के बाद फिर उसको फिंगर पे और अबेकस पे, ज़्यादा तो अबेकस पे कराओ ताकि अबेकस पे उसको ज़्यादा बेनिफिट पता चलेगा। दोनों में कंपेयर करता रहेगा कि हमारा फिंगर और अबेकस दोनों सेम ही चीज़ है। क्लियर है? तो हेलो बच्चे, कैसे हैं? बढ़िया, ओके। सेकेंड क्लास मतलब फर्स्ट लेवल का सेकेंड क्लास के अंदर हमें जो करना है वो आप ध्यान से देखो। इसके अंदर हमने फिंगर पे अब ऐड करना है। जैसे अगर हमारे पास अब पता चल गया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, तो साफ सब पता है कि अगर हम बोलते हैं 1 तो ऐड के केस में हमारा फिंगर जो है अप हो जाएगा। ऐड के केस में फिंगर अप हो जाएगा, जैसे 1, फिर बोलेंगे प्लस वन, 4 आंसर, +5, 9 आंसर, -2, -1, -1, -5, 0, +2, +2, +5, -1, -1, -1, राइट? सिमिलरली अगर हम अबेकस के अंदर देखते हैं तो हमारे पास एक, देखिए अगर मैं बोलता हूँ +2, दैट मीन्स कि दिस इज +2, अगेन +2, -1, -1, -1, +5, +2, +1, -3, -5, +2, व्हाट इज द आंसर, दिस इज 3 आंसर। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को आसानी से अबेकस में भी कर सकते हो। सिमिलरली 4 फिंगर, दिस इज 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, एंड दिस इज 5, 5। सो आपको प्रॉब्लम नहीं होना है। प्रॉब्लम कब होता है, जब हमारे पास काउंटिंग करने का तरीका बदल जाता है। बट हम ये देख रहे हैं काउंटिंग करने का तरीका हमारा नहीं बदल रहा है, हमारा अगर फिंगर पे करते हैं, क्योंकि फिंगर आपके पास हर जगह पे होता है। सो 1, 2, 3, 4, प्लस के केस में ये अप होगा। आपके अबेकस पे भी प्लस के केस में, जैसे सपोज हमारे पास ये अबेकस है, इसमें मैंने बोला पहले प्लस वन है, फिर मैं बोलूँगा प्लस वन तो एक इधर आके रह जाता है, फिर प्लस वन, फिर प्लस वन, सारे चार चीज चिपक गए इसके अंदर, 4 आंसर आ गए। मतलब 1 के केस में बिट्स अप हो जाता है, राइट? तो अब आप आ जाइए सबसे पहले कि ड्रॉ द बिट्स। बिट्स के बारे में हमने देखा था 5 को ड्रॉ कैसे करते हैं, इसके साथ ये 5 हो गया हमारे पास। ड्रॉ 9, 5, 6, 7, 8, 9, नीचे का 4 बिट्स एंड ऊपर का 1 बिट्स, ये 9 आ गया। आप इसको कलर कर सकते हैं, नहीं कलर, कलर तब करेंगे जब चारों बिट्स नीचे बुलाएंगे, ठीक है ना? अब इसके अंदर कलर हो गया 5, अब यहाँ पे भी 7 है, 5, 6, 7, 6 है 5, और यहाँ पे एक 1, 6 हो गया, नीचे का एक बिट्स आंसर बार में अटैच हो गया। इसके बाद है आपके पास 4,
तो फोर के लिए 1, 2, 3, 4, इसको कलर भी कर सकते हैं और यहाँ पे हमने ऊपर ही बना सकते हैं, नहीं मर्जी है मत बनाइए, ऊपर बनाओ उससे हमें आंसर में कोई दिक्कत नहीं, आंसर सिर्फ इस आंसर बार में जो है अटैच जो भी ज्वाइंट है वही आंसर बार का आंसर आता है, समझ गया बात को। तो सर अब कह रहा है कि मैच करो, तो बच्चे को तो पता चला अच्छा तो 5 है, यहाँ पे 5 कौन सा है, ये है, तो इससे इसको मैच कर दिए। फिर बच्चे को पता 9 है, इधर कोई 9 है, ये है, ये लो 9 आ गया। किसी को पता है 7 है, ओके सर 7 यहाँ पे कहाँ पे है, ये रहा 7 आंसर बार में, ठीक है। ये कलर भी कर सकते हो, विदाउट कलर भी रख सकते हो, ऊपर अगर टच है तो 7 ही है। यहाँ पे 6 है, ये 6 इधर है क्या, अगर है तो यस ये है, मैच कर देना है। 4 तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, इधर है कोई 4, यस ये रहा। तो आप देख रहे हो कि हमने कलर और नॉन कलर दोनों ही बना दिया है, बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। आप उसको आसानी से अगर इस चीज़ को बताओगे, आप इसको कॉपी पे देना है, इस तरह के क्वेश्चन आप 4-5 पेज में दोगे ताकि बच्चे जो है ना कंफ्यूज ना हो और आराम से उसको कर सकते हैं, क्लियर है। तो बच्चे को आप देंगे कैसे क्वेश्चंस, तो बच्चे को देंगे इस तरह से क्वेश्चंस पेज पे और एक क्वेश्चन करेंगे, ये तो वर्कशीट पे क्वेश्चंस हैं, उनको आपको कराने हैं मैच इस टाइप से, ठीक है। अब हमारे पास अगर इनको प्लस करने का आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन इस टाइप से है, जैसे प्लस कीजिए फिंगर पे तो 2 + 0 है नहीं कुछ, तो 2 ही आंसर आ गया। अब हम कहते हैं 3 और +1, तो ये लो +1, कितना आंसर आ गया, 4, या 4 लिख दिए। मैंने कहा 2 + 1 + 1, कितना आंसर आ गया, 4, दिस इज 4 लिख दिया। हमने किया 1 + 1 + 2, व्हाट इज आंसर, 4 आंसर। फिर हमने करा 3 + 1, व्हाट इज आंसर, 4 आंसर। सिंपल है, प्रैक्टिस करेंगे आप सिर्फ, 4 + 0, 0 नहीं मतलब कुछ भी नहीं, तो 4 आंसर आ गए। अब मैंने बोला 2 + 1 + 0, तो दिस इज 3 आंसर ओनली। अगर मैं बोलता हूँ 1 + 1 + 0 + 1, दिस इज 3 आंसर, पढ़ना 1 + 1 + 1 + 0, तो आपको नहीं आटाना है। बच्चे क्या करते हैं, 0 में भी एक चीज ओपन कर देते हैं, नहीं करना है। फिर 0 के बाद +1, तो व्हाट इज द आंसर, दिस इज 4 आंसर। अब है 2 + 1 + 1 + 0, तो 4 आंसर, क्लियर है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। 3 + 3 + 1, आपको देखना भी नहीं पड़ रहा है, आपके फिंगर से कनेक्ट है आपका ब्रेन, आप तुरंत आंसर दे रहे हो, दिस इज 4। 2 + 1 + 1, दिस इज ऑल्सो 4। 1 + 1 + 0, दिस इज ऑल्सो 2। 2 + 1 + 1, दिस इज 4 आंसर, 4 आंसर आ गया। आपने देखा क्या, फिंगर पे भी